और प्राइमरी की दोनों की सीरीज में सामान्य अध्ययन विविध करंट की एक महत्वपूर्ण सीरीज के साथ मैं पुनः आपके बीच लाइव हूँ। यह पेपर सभी के लिए अनिवार्य है, जहाँ पर हम इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विविध सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर, करंट, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उन समस्त तथ्यों को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम में सिलेबस में। तो चलिए बिना देरी के हम क्लास की शुरुआत करते हैं। आप लोग जैसे ही क्लास में जुड़िएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी रेस के घोड़े हैं, जी हाँ, और आपको हमेशा रेस में दिखना चाहिए और आप रेस में ही अच्छे दिखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? चिली, चीन, मैक्सिको, क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सभी साथी जवाब दीजिएगा, चाहे से आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आइए इस प्रश्न के बारे में हम लोग थोड़ी बातें जानते हैं। देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, एकदम से जान लीजिएगा, मैक्सिको। जी हाँ, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। और ये सबसे, अगर भंडारित पूछेगा, ये उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक अगर पूछा जाए, सबसे बड़ा, जी हाँ, भंडारण, तो कौन सा देश होगा, जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जी हाँ, आपको अब की बार एक सीट हमार की जो सीरीज आपके लिए चल रही है, अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा हो, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। एज ए गेस्ट के रूप में मैं ई-लर्निंग मित्र गेस्ट अपने बचे हुए समय पर निःशुल्क देश हित में राष्ट्रहित में आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। जी हाँ, तब इस प्रश्न का उत्तर होगा पेरू। तब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पेरू। याद रखिएगा, यहाँ पे दो तरह के प्रश्न बनते हैं, प्रश्न नंबर एक हो गया और ये प्रश्न नंबर दो हो गया। जी हाँ, ये दोनों बातें आप लोग जानते रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी कमियों की वजह से कभी कभी क्या होता है, गलतियाँ कर जाते हैं, जो हमारे संरक्षण के लिए सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी बन जाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, शायद आपको दिख रहा होगा, कह रहा है तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, ध्यान से देखिएगा जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बाध बहती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, यह उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे गलत है, यह बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, सही बात। फिर आगे चल के कह रहा है, इसकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, सही बात। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा, खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, सही है। मतलब आप लोग जानते रहिएगा, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह मैप से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहा है कि यह दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाए, ये 0 डिग्री हो गई, तो 40 से 50 अंशों के बीच चलती है। इसमें प्रचंड झंझावट भी होता है, मेघयुक्त आकाश, वर्षा, खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। इसकी शक्ति या प्रचंडता के कारण इन्हें गरजती चालीसा या लंबी चालीसा कहते हैं, इसे ही हम गरजती चालीसा भी कहते हैं, इसे एक नाम से और जानते हैं। जी हाँ, इसे हम तूफानी चालीसा भी कहते हैं, इसे हम लंबी चालीसा भी कहते हैं। ठीक, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 2, 3, 4 इसका राइट आंसर होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद सबसे पहला काम, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। जी हाँ, अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चाहे आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं। अगला सवाल आपके लिए है, जी हाँ, ध्यान से देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधारण कार्यक्रम नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? जी हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे इस वीडियो को जहाँ भी आप देख रहे हैं लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि आपकी ये छोटी सी सहयोग लोगों को उनके सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचा सकती है। ठीक, उन्हें सिलेक्शन से नज़दीक ला सकती है। तो बताइए आपके हिसाब से इन प्रश्नों के जवाब क्या होंगे, जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह आपका मथुरा होगा। क्या होगा? मथुरा होगा। अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? देखिए, पाइरोमीटर ये उच्च ताप मापने का यंत्र है, ये उच्च ताप
मापने का यंत्र है। गायरोस्कोप की बात करें अगर हम, तो ये घूमती वस्तु कोणीय वेग नापने का यंत्र है। कौन सा? कोणीय वेग नापने का यंत्र है। एकदम ऐसे प्रश्न है जो परीक्षा में आपके सीधे पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों की सीरीज आपके लिए है, ठीक है। चलिए अब है काइमोग्राफ। काइमोग्राफ क्या है? ये रक्तचाप, हृदय की धड़कन आदि को मापने के लिए शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय धड़कन आदि। पॉलीग्राफ, इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। क्या होगा? ए। कैसे? याद रखिएगा, झूठ का जो पता लगाने वाला यंत्र है वह आपका पॉलीग्राफ है। क्या है? पॉलीग्राफ है, ठीक है। कौन सा है? पॉलीग्राफ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा। यहां रीजनिंग के सवाल है, गणित के भी सवाल है, जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक। कह रहा है एक कक्षा में कुछ बेंच हैं, यदि एक बेंच पर चार विद्यार्थी बैठते हैं तब तीन बेंच खाली रह जाती है, यदि एक बेंच पर तीन छात्र बैठते हैं तब तीन छात्र कक्षा में खड़े रह जाते हैं, कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? देखिए ये समीकरण से लगेगा, एक बेंच पर चार विद्यार्थी बैठते हैं तब तीन बेंच खाली रह जाती है और तीन छात्र खड़े रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे लगेगा, कह रहा है अगर विद्यार्थियों की संख्या अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, ए माइनस तीन गुणे चार कर देंगे, समीकरण नंबर एक बन जाएगा। दूसरा, एक बेंच पर तीन विद्यार्थी बैठने की व्यवस्था है, माने ए गुणे तीन, ऐसे तीन, इक्वेशन नंबर दो बन जाएगा। अब इन दोनों समीकरण से अगर तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइए ध्यान से देखते हैं। ये हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा चार ए, ध्यान दीजिएगा, चार ए माइनस बारह, नीचे मिल जाएगा तीन ए, नहीं तो आपका हो जाएगा कितना, तीन त्रिका नौ ए हो जाएगा, यहाँ पर नौ ए हो जाएगा। अब इन दोनों को तुलना करेंगे तो चार ए माइनस बारह बराबर तीन ए, बराबर तीन ए प्लस तीन कर सकते हैं, तीन, अच्छा यहाँ पे प्लस तीन होगा ना, रुक जाइए, यहाँ पर प्लस तीन होगा, तो हो जाएगा आपका तीन ए प्लस तीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके हम लोग बराबर लिख लेते हैं तीन, रुक जाइए, इसको हम पूरा अच्छे से साफ समझा के लिखते हैं। तब हमें यहाँ पे दोनों को क्वेश्चन इक्वेशन नंबर एक और दो को बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल गया चार ए माइनस बारह बराबर तीन ए प्लस तीन हो जाएगा। कह रहा है कि कक्षा में कुछ बेंच, यदि एक बेंच पर चार विद्यार्थी बैठते हैं तब तीन बेंच खाली रह जाते हैं, तीन बैठते हैं तो खाली रह जाते हैं, ठीक। तो आपको ये हो गया। फिर इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर पंद्रह, ए बराबर क्या हो जाएगा, पंद्रह। समीकरण एक में छात्रों की संख्या रखेंगे, ए बराबर पंद्रह है तो पंद्रह माइनस तीन गुणे चार, तो बारह गुणे चार करेंगे तो आ जाएगा अड़तालीस। इसका उत्तर क्या होगा, 48 इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यदि एक संख्या उसका औसत 50% है, उसी संख्या के 25% का औसत 280 है, तो संख्या क्या हो? थोड़ा सा ये बड़ा सवाल लगेगा क्योंकि इसमें हमको हल करना होगा, हल तक हमें जाना पड़ेगा। तो अगर हम संख्या को यक्ष मान लेते हैं, ठीक है, तो यक्ष का 50%, तो यक्ष का 50%, ठीक। फिर कह रहा है एक्स का 50% प्लस यक्स का 25%, औसत कह रहा है कुल पदों को योग बटे कुल पदों की संख्या, कह रहा है कि उस संख्या से, तो वह संख्या क्या होगी, यक्स। कुल कितने पद हो गए, एक दो तीन पद, तो हो गया तीन, तो तीनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा एवरेज माने औसत। अब देखिए कैसे हल होगा, 50 एक का 50, 50 दोनों 100 माने यक्स बटे दो, प्लस ये 25 एक का 25, 25 का 100 माने यक्स बटे चार प्लस यक्स बटे तीन। इसको हल करेंगे तो ए बराबर क्या है, यहाँ औसत दिया है 280, तो औसत क्या लिख देंगे हम, 280, क्या हो जाएगा, 280। अब इसको हल करेंगे, जब हम लोग हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे ये चार एलसीएम होगा, तो हम यहाँ पे इसको इधर हल करते हैं, यहाँ पे हमारा चार एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा दो यक्स फिर यक्स प्लस चार यक्स, न पूरे के बटे चार है, तीन है, तो तीन इधर बटे में उधर लाएंगे गुणे में कर देंगे
तो अगर हम इधर गुणे में कर देंगे तो सीधा हो जाएगा 280 गुणे 3। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 7x/4 बराबर 280 गुणे 3। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, ये 7 से 7 चौक 28 40, तो 4 चौक 16 3 48, तो x बराबर 480। अतः संख्या क्या होगी? 480। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना होगा, ध्यान से सभी लोग देखिएगा, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखिएगा कि कुल पदों के 1/2 कुल पदों की संख्या, तो माने संख्या x है। तो ध्यान दीजिएगा हम सवाल कैसे लगाए, x का पहले x हो गई, x हो गया, फिर प्लस x का 50% माने 50/100, फिर x प्लस x का 25% 25/100, कुल संख्या कितनी है 3, और उसका औसत कितना 480। इसी को हमने हल कर दिया, आपको प्राप्त हो गया 480 माने कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ऊपर क्या रहा है, एक कक्षा में कुछ बेंच है, एक कक्षा में कुछ बेंच, माना बेंच एक्स है, तो एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठने की व्यवस्था है, तो विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, माने ए माइनस 3 गुणे 4 कर देंगे, तो एक बेंच पर 3 विद्यार्थी बैठने की स्थिति में विद्यार्थियों की संख्या फिर क्या हो जाएगी, 1 गुणे 3 प्लस 3। इस प्रकार समीकरण 1 और 2 को बराबर करते हैं, फिर हमें x की वैल्यू 48 निकलती है। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लें, अगर वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा, 10 से 50 के बीच अभाज्य संख्या में कुल अभाज्य संख्याएं होंगी 10 से लेकर 50 तक। देखिए अगर 10 से लेकर 50 तक की बात करें तो आपको साथ याद होना चाहिए, एक होगी 11 13 17 19 23, फिर 29, फिर 31 है, फिर आपका 37 है, फिर 41 है, फिर आपका 43 है, फिर आपका 47 नहीं नहीं 49 नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, अब हम इसको गिनती करेंगे, अगर गिनेंगे तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने इसकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, कितनी हो गई, 11 हो गई। ठीक, इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 11 इसका राइट आंसर है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर 11 बताया इसका मतलब आपके प्रश्न के जवाब भी पूरी तरह से सही है। ठीक, क्या है, आपके जवाब भी पूरी तरह से सही है। अगला है, नवंबर 2019 में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, बताइए नंबर 2019 से भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। देखिए अगर आप इसकी बात करें हम तो ध्यान से देखिएगा कि नंबर 2019 में शरद अरविंद बोबड़े, सर एस अरविंद बोबड़े ये 47वें न्यायाधीश थे। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDA के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक किसे नियुक्त किया गया, प्रश्न नंबर 9 का जवाब दीजिएगा। देखिए 22 अक्टूबर की घटना है, 22 अक्टूबर 2019 केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पंकज कुमार को, ठीक पंकज कुमार को क्या किया है, कमेंट कर बताइएगा सभी लोग। पंकज कुमार को भारतीय UIDA माने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है ध्यान से देखिएगा सभी लोग, प्रश्न नंबर 10, 10 जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले कुल देशों की संख्या क्या थी। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का सभी लोग जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट जरूर करेंगे, चाहे आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं कमेंट जरूर करिएगा, जल्दी कमेंट करके। आप सब देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इसे हम ISA कहते हैं। ठीक, इसमें समझौते पर हस्ताक्षर करने कुल देशों की संख्या कितनी थी, 85 थी, कितनी थी, 85 थी। इरिट्रिया तथा सेंट किट्स के बाद एंड नेविस के बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश समोवा है। ठीक, यह आपके सिलेबस उतना बाहर नहीं, गल्फ स्ट्रीम क्या है, यह आपके सिलेबस में है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए यार, अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, पैसे नहीं लगेंगे आपके, बस लोगों तक पहुँचा दीजिए,
कर भला तो हो भला, ठीक, कर भला तो हो भला। बताइए गल्फ स्ट्रीम क्या है, सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो हमने देखा यह फ्लोरिडा की धारा है ना। देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये है गल्फ स्ट्रीम क्या है, यह एक महासागरी धारा है। माने जो फ्लोरिडा की धारा, एंटिलीस की धारा टैट्रेस अंतरिक्ष से आगे बढ़ती है तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। ये अटलांटिक महासागर एक गर्म जलधारा है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सारे प्रवाहित होती है। गल्फ स्ट्रीम की धारा की खोज किसने किया था पता है आपको, जुआन पोस डी लियोन ने। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, जुआन पोंस पोंस डी लियोन ने किया था। ये गर्म जलधारा है 1513 में, 1513 कैसी है, गर्म जलधारा किसकी, अटलांटिक महासागर की है। ठीक है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी आपका सही जवाब होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। तो जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बताया है उन सभी का जवाब सही है। ठीक, अगला एकदम ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर 12, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, आपके परीक्षा वाला सिलेबस है। अगर आप इसी वीडियो को जहां भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचा दीजिए, कई बार मुझे कहना पड़ता है लेकिन आप लोग, कोई बात नहीं, खैर चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं समझेंगे न इस बात को सुनेंगे। कह रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारे पर निम्नलिखित नगरों की क्रम व्यवस्थित करते हुए नीचे दिखे गए कूट का चयन करना है। ये जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए, बताइए जल्दी से सभी लोग। यार आप लोग अभी तक लाइक तक नहीं किए, पैसे कटेंगे क्या आपके, पैसे नहीं कटते। अगर आपको लगता होगा कि पैसे कट रहे होंगे ना, पैसे नहीं कटते। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। उत्तर गलिया स्थित प्रश्नगत नगरों का उत्तर दक्षिण की ओर क्रम इस प्रकार है, कहां से, उत्तर से दक्षिण माने नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे उत्तर में देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे पहले नंबर पे आगरा उत्तर में है, आगरा के नीचे अगर हम चलेंगे, अगर हम इसे मैप में देखें, ठीक है एक मैप बना लेंगे ना, थोड़ा सा आप लोग को आसानी हो जाएगी। एक मिनट रुकिएगा, मैप बना लूँगा ना तो आप लोग को समझने में काफ़ी राहत हो जाएगी। ये हमारा भारत हो गया, उत्तर से दक्षिण की तरफ बात करें माने नॉर्थ टू साउथ माने उत्तर से दक्षिण। यहां पे सबसे पहले देखिए आगरा होगा, यहां पे पहले आगरा, अगर आगरा के थोड़ा सा नीचे चलेंगे, क्योंकि आगरा जो है आपके यूपी में, आगरा कहां पर है यूपी में, पहला नंबर हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इसके ठीक सीध में यहां पे मध्य प्रदेश में आएगा ग्वालियर, एमपी दूसरे स्थान पर। फिर अगर हम देखें तो नागपुर महाराष्ट्र में, यहाँ पे ये है आपका नागपुर, कहाँ पर है ये महाराष्ट्र में। कृष्णागिरी ये तमिलनाडु में, कहाँ पर है तमिलनाडु में, ठीक ये कहाँ पर है चौथे पे। अब आप बताइए इसका क्रम क्या होगा, जो लोग लाइव देख रहे हैं जरा कमेंट करके इतना बताएं आपके हिसाब से इसका क्रम क्या है, बस इतना कमेंट कर बताइए खाली आप कि इसका क्रम क्या है, जवाब दीजिएगा इसका क्रम क्या है, बताइए जल्दी कमेंट करके। अब तो समझ में आ गया होगा क्रम क्या है। हाँ, 12 नंबर प्रश्न का ए इसका सही जवाब होगा, क्लियर। ये परीक्षा वाले प्रश्न है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ऐसे प्रश्न आप लोग को पढ़ना है, बाकी जो आपने राम कहानी पढ़ी उससे कोई मतलब नहीं। ये सारे ऐसे ही सिलेक्शन वाले प्रश्न है जो आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड आपके ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, माने तीन है और एक नहीं है, जरा कमेंट करके बताइएगा कौन इसमें से सुमेलित नहीं है, जल्दी जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये क्लास प्रतिदिन इलानी पत्रकेश पे लाइव चलती है, देशित में
बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइए जितने लोग इस प्रश्न को लाइव देख रहे हैं। चलिए इस प्रश्न के बारे में हम लोग जानते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यहां पर बीना मध्य प्रदेश बीपीसीएल, तातीपाका आंध्र प्रदेश ONGC, डिगबोई असम IOCL, लेकिन कोयली गुजरात HPCL नहीं होगा। कोयली गुजरात जो है ये IOCL IOCL है, ये अक्टूबर 1965 में बना था, अक्टूबर 1965 में। ठीक कहां पर है ये? गुजरात। तो ये गलत है, वही सही है। मनीष प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जितने लोगों ने प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सब के जवाब पूरी तरह से सही हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, वरना बाद में मत कहिएगा सर हमको ये समझ में नहीं आया, ये क्या दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ अगले प्रश्न की तरफ। अगला है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अभी की बार एक सीट हमार, क्योंकि ये सीरीज आपके लिए प्रतिदिन रात 9:30 बजे चलती है ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा आप सभी साथी, चाहे से फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे से यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का अगर सही विकल्प की हम बात करें, सही विकल्प कौन सा होगा प्रश्न नंबर 14 का, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे गुजरात होगा। सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? गुजरात है। ठीक है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है, पहले पे गुजरात है और दूसरे पर आपका राजस्थान है। ठीक, ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। 15 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसके प्रश्न का जवाब जरूर दे लेंगे। बताइए ध्वनि का वेग कहां पर अधिकतम होगा? जवाब दीजिएगा कि ध्वनि का वेग अधिकतम कहां पर होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा कहां पर होगा। देखिए इस प्रश्न का बहुत सारे लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। यहां पर दिए गए प्रश्न के हिसाब से जो ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे होकर गमन करती है, और इसलिए इसकी चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, द्रवों की तुलना में ठोसों में अधिक होती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, निर्वात में गमन नहीं कर सकती, याद रखिएगा। माने जो ये बता रहे हो गलत है, इस प्रकार सबसे ज्यादा डेंसिटी इस्पात की है तो ध्वनि जो होती है वायु के अपेक्षा स्टील में 15 गुना तीव्र गति से गमन करती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इस्पात होगा। माने इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस्पात राइट आंसर होगा। माने अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर इस्पात बताया है तो एकदम सही और राइट आंसर है। जी हाँ इस्पात वाले एकदम सही है। चलिए तब तो हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नदी सुमेलित नहीं है? माने ये नकारात्मक प्रश्न है, यहाँ पे आपको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं, माने 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है, बस आपको यही बताना है कि इसमें से कौन सा जो है आपके लिए सुमेलित नहीं है। बताइए जल्दी कमेंट करके। देखिए इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो भी आपको हल करना होगा, ऐसे प्रश्नों को भी सीखना होगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में कैसे हल होते हैं। जी हाँ, क्योंकि अगर ऐसे प्रश्नों को आप हल करना शुरू कर देंगे तो सिलेक्शन के और नजदीक पहुंचेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथी, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, अब की बार एक सीट हमार, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 16 की बात करें हम आपके साथ, तो हुंडरू स्वर्णरेखा पर है, जोन्हा राड़ू पर है, दसों कांची, लेकिन लोद बराकर। आइए इस प्रश्न के बारे में जानते हैं। लोद जलप्रपात झारखंड के कहां पर है? ये लोद कहां पर है? ये झारखंड
झारखंड, यह बरार नदी पर नहीं है, यह बूढ़ा नदी पर है। किस नदी पर है? बूढ़ा नदी पर है। इसे बूढ़ा घाग जलप्रपात कहते हैं। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्या है, इसे ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम और है, बूढ़ा घाग जलप्रपात। बूढ़ा घाग जल प्रपात ये झारखंड का सबसे ऊंचा, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पे यह बात आप लोग को जानना होगा। एक प्रश्न आपका ये भी तैयार हो गया कि सबसे ऊंचा क्या है, यही है। ठीक, चलिए फिर हम और आगे चलते हैं। ठीक, चलिए क्षेत्रफल क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य बताइए। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के तीन बड़े राज्य आपको बताना है। सभी लोग देखिए, ये डेली क्लास आपके 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, और सुबह के 6:30 बजे करंट की क्लास, उसकी पीडीएफ आप दोनों टेलीग्राम पर उपलब्ध हैं, दुर्गेश सर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्षेत्रफल में अगर आप जाने तो सबसे पहला क्या होता है, राजस्थान आएगा, दूसरे पर हम मध्य प्रदेश, और तीसरे पर आपका महाराष्ट्र है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही होगा। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है। तो चलिए देरी किए बिना हम और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर बताइए 18 का क्या होगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे इसे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, चाहे इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, जवाब आपका आना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जवाब नहीं देंगे सारा पढ़ाना बेकार है। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है, बताइए कौन सी चट्टान प्रणाली है जो भारत में नवीनतम है, जवाब जरूर दीजिएगा आप सभी साथी। बताइए जल्दी कमेंट करके। आइए इसके बारे में थोड़ी बातें हम लोग जान लेते हैं और थोड़ी बातें हम लोग भी समझ लेते हैं, क्योंकि भैया सिलेक्शन आपको भी लेना है ना, कि नहीं लेना है। देखिए प्रश्न नंबर 18 की अगर हम बात करें तो ध्यान से एकदम समझिएगा, ये गोडवाना, कौन सी गोडवाना, ठीक है ध्यान से देखिएगा। धारवाड़ क्रम की चट्टान का निर्माण अर्किन चट्टानों के रूपांतरण तो भंसन से हुआ था, किसकी, धारवाड़ की। इसमें शिलाएं मिलती हैं, सोना लोहा मिलता है। कुड़प्पा क्रम की चट्टान धारवाड़ क्रम के बाद हुआ था, कुड़प्पा जो हुआ था वो धारवाड़ के बाद हुआ था, ठीक है। और बिंधन क्रम की चट्टान का कुड़प्पा क्रम के चट्टान के बाद हुआ था, कुड़प्पा के बाद बिंधन हुआ था। माने अगर ये पहले पर रखा जाए, ये दूसरे पे और ये तीसरे पे, और उसके बाद बिंधन क्रम की चट्टानों काफी समय बाद गोडवाना क्रम की चट्टान हुई थी। भारत का अधिकांश कोयला, कोयला भारत का इसी चट्टान में मिलता है, किस चट्टान में, इसी चट्टान में मिलता है। माने अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया तो यहां पे दो प्रश्न आपको समझ में आया, कि देखिए अभी यहां देखिए धारवाड़, कुड़प्पा, बिंधन, फिर गोडवाना क्रम की चट्टान आती है। माने अगर आप लोग ने थोड़ा सा दिमाग लगाया इस प्रश्न को बताने के लिए, ठीक, तो आपका प्रश्न का उत्तर आपका सही है। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को ना, समझ में आ रहा है ना, कि सिलेबस से ही आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिलेबस को अगर पढ़ना है तो इस तरह से एक एक करके आपको जानना होगा सवाल को। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कौन सा अधिकार है, ये काफी यूनिक प्रश्न है उन परीक्षाओं के लिए जिन परीक्षा की तैयारी सिलेक्शन के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। जल्दी बताइए, जवाब दीजिए सभी साथी। बताइए सभी लोग, जल्दी कमेंट बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट कर बताइएगा।
जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। देखिए प्रश्न नंबर 19 का जवाब आपको ध्यान से देखना होगा, मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बता रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से एकदम। देखिए एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न नंबर जो 19 आपके लिए है, ये विधि का अधिकार है। क्या है ये विधि का अधिकार? क्योंकि जनपदी की धारा 1951 में निर्वाचन का अधिकार को परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी व्यक्ति के किसी चुनाव में एक उम्मीदवार होने या उम्मीदवार होने से नाम वापस लेने, चुनाव में मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने का अधिकार को शामिल किया गया है। फिर यहाँ पे ज्योति बसु अन्य में देवी घोषाल के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचित होने के अधिकार को विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। किसके? विधिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मताधिकार को विधिक या वैधानिक, या वैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह डी इसका राइट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा लायक हैं। अगला है, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, प्रश्न नंबर 20। देख रहे हैं कूट वाले प्रश्न है, माने आजकल जैसा ट्रेंड चला है उसी ट्रेंड के हिसाब से आपके सामने प्रश्न है। जैसा ट्रेंड चला है सेम उसी ट्रेंड के आधार पर है। ठीक है, जो लोग लाइव देख रहे हैं ध्यान देंगे आप लोग, मैंने आपसे पहले बताया ट्रेंडिंग वाले प्रश्न है पूरे। यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होना आवश्यक नहीं है। यह नकारात्मक प्रश्न है। अगर आपने पूरे प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा तो फिर आप गलती कर सकते हैं, आपसे गलती हो सकती है, इस बात का आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है ना, चलिए तब हम और आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जवाब जल्दी जल्दी देते रहिएगा जहां भी देख रहे हैं आप, इसे चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, जहां भी देखिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए राज्य का विधानसभा का विघटन, स्थानीय निकायों का विघटन, यहां पे पूछ रहा कौन सा परिणाम का होना आवश्यक नहीं है, जल्दी से कमेंट कर बताइए। फिर राज्य की मंत्रिपरिषद का हटाना क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए इस प्रश्न को हम थोड़ा व्याख्या करेंगे। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 है, यहां पर राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, माने संवैधानिक तंत्र, राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, संवैधानिक तंत्र जो है इसके विफल हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है, और राष्ट्रपति शासन लागू होने में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है, वहीं मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, विघटित या निलंबित कर सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ये कर सकता है, फिर मतलब कर सकता है। दूसरा, स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं होगा, माने हालांकि आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, इसलिए यह आवश्यक नहीं है और यह भी आवश्यक नहीं है, इसका मतलब जो गलत है वही, लेकिन मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर केवल 1 और 3 होगा। क्या होगा? 1 और 3 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इसका क्या होगा? 1 और 3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर 1 और 3 दिया है उनके जवाब पूरी तरह से सही। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? जल्दी से कमेंट कर बताइए कि वह अपना त्याग पत्र किसे देगा। अपना त्याग पत्र किसे देगा, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। सभी लोग चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 21 भी थोड़ा सा आसान है। संविधान के अनुच्छेद 179 में इसका वर्णन दिया किया गया है, 179 में, मतलब यह अपना त्यागपत्र विधानसभा के
उपाध्यक्ष को देगा, हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्याग कर सकेगा तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके त्याग पत्र दे सकेगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे सकता है। मान इस प्रश्न का उत्तर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अब और आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे और हम लोग लगाते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। बताइए जल्दी से, कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता करेगा? देखिए, राष्ट्रपति संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक लोकसभा उपाध्यक्ष पीठासीन होगा, वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्ष होगा, यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति पीठासीन होगा जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा तय किया जाएगा, यह एक क्रम भी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? लोकसभा का अध्यक्ष, यह आप लोग जानते रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजन किया गया? जवाब जरूर दीजिएगा। यार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, ई लर्निंग विद दुर्गेश ऑफिस के नंबर पर बात कर सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजहन से यह क्लास आपके लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर पूरी तरह से निःशुल्क है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर, क्लास की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जो दुर्गेश सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 जो है, स्वतंत्र भारत में पहली बार संसदीय सचिव का पद 1951 में सृजित किया गया था। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दो सांसद सतीश चंद्र और NN मिश्रा को सचिव पद पर नियुक्त किया था। इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग को? दो लोग को। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत की जाती है? किसके द्वारा आहूत की जाती है, जल्दी से कमेंट कर बताइएगा। बताइए, अब इसके बारे में मैंने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन, बताइए क्या होगा? जी हाँ, राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस अनुच्छेद पर लोकसभा अध्यक्ष करता है? यह अनुच्छेद 118(4), ठीक है, इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। समझ में आया आप लोग? नहीं आया यार, आप लोग की संख्या इतनी कम है, क्या हुआ क्लास बंद कर दें क्या? आप लोग ने वीडियो को शेयर करने हैं या पढ़ाने में कोई कमी हो तो बताइए यार, वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। अगर इससे बेहतर कोई पढ़ाए तो बताइए, इससे ज्यादा व्याख्या कोई करे। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया? बताइए, प्रश्न नंबर 25। देखिए एकदम आसान है, ये केशवानंद भारती वाद। क्या होगा? केशवानंद भारती, उच्चतम न्यायालय ने सबसे पहले 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद में, फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य में यह बताया कि संसद संविधान के तहत मूलाधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन फिर आगे चलकर 1967 में गोलकनाथ पंजाब राज्य में शंकरी प्रसाद और सज्जन कुमार में इसका विपरीत संसद द्वारा मूलाधिकार पर रोक लगाने का निर्णय भी लिया गया, लेकिन फिर आगे चलकर 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है, वह मूल अधिकार संशोधन कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत जो उसके तत्व हैं उसको परिवर्तित नहीं कर सकती, लेकिन प्रश्नगत विकल्पों में पूछा गया प्रश्न में नवीनतम निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति समित प्राप्त है, इसलिए प्रश्न का उत्तर ए राइट आंसर होगा। अगला आपके सामने प्रश्न नंबर 26 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है इनमें कौन सा संघीय व्यवस्था में
एकात्मक तत्व है, संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। जल्दी से कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा सभी साथी। जल्दी जवाब दीजिएगा सभी लोग, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यसभा में असामान्य प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवा, यहाँ पे एकात्मक तत्व है। भारतीय संविधान अनुच्छेद एक में भारत का अगर यहाँ पे देखा जाए, उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण देखें तो केंद्र सरकार सशक्त है, एकल नागरिकता है, ठीक, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवा में राज्यसभा में असामान्य प्रतिनिधित्व, आपातकालीन प्रावधान, तो भारतीय संविधान द्वारा एकात्मक की ओर झुकाव, संघीय व्यवस्था स्थापित कर दी है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 2, 3, 5 ये होगा। अगला है आपको मिलान करना है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मिलान कर लेंगे। अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? ये मूलाधिकार है, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 36, जहाँ पे कोई अनुच्छेद शुरुआत होता है तो वहाँ पर उसकी परिभाषा होती है, ठीक है, जूनियर प्राइमरी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अनुच्छेद 36 की बात करें तो ये क्या होगा? नीति निर्देशक तत्व होगा। अगर हम 74 की बात करें तब संघी मंत्रिपरिषद संशोधन की प्रक्रिया, एकदम आसान विकल्प था। मुझे लगता है कोई भी यहाँ पे जितने लोग लाइव देख रहे हैं, यहाँ पे इस प्रश्न का जवाब किसी का भी गलत नहीं हुआ होगा। क्या कोई ऐसा भी है जिसका गलत हुआ हो? कोई नहीं है जिसका गलत हुआ हो, ठीक। अगला है, यहाँ पर मिलान करना है आपको, तो जल्दी से मिलान कर बताइए, जल्दी मिलान कर बताइए आप लोग सभी लोग। देखिए, भजन शपोरी कश्मीर के सूफिया घराना से संबंधित वादक थे, बिरजू महाराज ये बिदादीन घराना लखनऊ से थे, ठीक, ये बिदादीन घराना लखनऊ से थे, ये कथक के प्रसिद्ध नर्तक भी थे। प्रियदर्शिनी गोविंद की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम के एक तरह से नृत्यांगना है। टीबी ये मृगदंडन के महाकलाकार हैं। तो बचा क्या? भजन सुपारी संतूर के उत्कृष्ट कलाकार हैं। बस ये हो गया आपका। तो आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को हल करके तरीका जान सकते हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिख रहा होगा, कृतज्ञ हैकथान की योजना किसके द्वारा बनाई गई? देखिए, इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बताइए जल्दी से कमेंट करके, बताइए जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से कमेंट कर बताइए सभी लोग। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। यह होगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। राष्ट्रीय कृषि उच्च आयोग ने कृतज्ञ नामक हैकथान योजना बनाई। यह हैकथान महिलाओं के अनुकूल उपकरण पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक संभावित प्रौद्योगिकी समाधान आयोजित किया गया, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आधुनिक ग्रैंड सोलर न्यूनतम से संबंधित होगा? यह है 2019-70% की तुलना में 2020 में सूर्य की 71% कोई सनस्पॉट नहीं था, मतलब सनस्पॉट की संख्या सीधे और तौर पर गतिविधि के लिए अनुपातिक है। अधिक सनस्पॉट का मतलब अधिक सौर गतिविधि है, घटती हुई सौर गतिविधि अवधि के आधुनिक ग्रैंड सोलर न्यूनतम के रूप में जाना जाता है, जो वर्ष 2020 से 2053 तक चलेगी, ठीक। मतलब नासा के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ग्रैंड सोलर न्यूनतम कारण होने वाले ठंडक से 6 गुना अधिक रहेगा। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने है, F1 बेल्जियम जो ग्रैंड प्रीमियम 2020 किसने जीता? जवाब दीजिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यह होगा, बताइएगा, मैक्स
वेस्टामपेन, इन्होंने लुई हैमिल्टन को में आयोजित हुआ था बेल्जियम, जिसमें मर्सिडीज के उत्कृष्ट रेस लगाए उन्होंने और 7 रेसों में अपनी 5वीं जीत उन्होंने कैरियर की 89 जो था। अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे होगा लुइस हैमिल्टन होगा, लुइस हैमिल्टन होगा ये 30 अगस्त 2020। ये मर्सिडीज के थे, ये किसके थे, मर्सिडीज के थे, मर्सिडीज के थे। और इनकी जो जीत थी 2020 की वो 89वीं थी। ठीक है, इसका उत्तर बी होगा। विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 32 का जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए इस प्रश्न का जवाब होगा 29 अगस्त, जिस दिन हमारे यहाँ खेल दिवस मनाया जाता है उसी दिन विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2010 से विश्व स्तर मनाया जा रहा है। कब से? 2010 से। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोट या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों को प्रभाव को बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। ठीक है, अगला है आपके सामने। हाल ही में समाचारों में देखा गया गैर व्यक्तिगत डेटा मसौदा नीति के लिए क्या है इसमें बताइए। यह है MSME और स्टार्टअप। मैंने एक सर्वेक्षण परिणामों के अनुसार MSME और स्टार्टअप के अधिकांश मौजूदा फॉर्म में व्यक्तिगत डेटा नीति के मसौदों के साथ सहज नहीं है, क्योंकि लाभ बहुत कम है और बढ़ते लक्ष्यीकरण निगरानी डेटा के दुरुपयोग का जोखिम अधिक है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 में बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, 3 है और 1 नहीं है। जल्दी जवाब दीजिएगा कौन सा इसमें नहीं है, जल्दी जवाब दीजिएगा सभी साथी जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए बांदीपुर कर्नाटक बाघ के लिए है, राजाजी उत्तराखंड सही है, सिमली पर उड़ीसा, विन पैली जम्मू कश्मीर में है। ठीक, विन पैली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, यह हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, मान ये गलत है। ठीक है, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी राइट आंसर, जो गलत है वही सही होगा। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही होंगे, मैंने डी वालों का उत्तर राइट होगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या किसी को नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत यहां से नहीं है ना, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं ताकि आप स्पष्ट रूप से बताएं कहीं समस्या तो नहीं आ रही है ना। किसे शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी बताइए जल्दी से कमेंट करके, जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं। चलिए जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी। चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर जो 35 है आपका। शंभू महाराज लखनऊ घराने के कथक नृत्य के कलाकार थे, किसके, कथक नृत्य के कलाकार थे। इनके पिता कालका प्रसाद महाराज, चाचा बिंदा दीन, बड़े भाई अच्छन थे, लच्छू महाराज थे जिन्होंने नृत्य की शिक्षा दी थी। ठीक है, इन्होंने उस्ताद रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी, किससे, रहीमुद्दीन खान से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ग्रहण की थी। मतलब इस प्रश्न का उत्तर बी राइट आंसर होगा। अगला, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस चल रहा है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, जवाब जरूर दीजिएगा, चाहे वीडियो को जहां देख रहे हैं। देखिए सिलेक्शन के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है,
आपको क्लास थोड़ी सी लंबी लगेगी, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अंत तक बने रहना होगा। इसका उत्तर तो सबको पता है कि सर सूरत में लगी थी, लेकिन इसके बारे में जानना, विलियम हॉकिंग्स सूरत के मुगल दरबार में पहुंचा। कहां पे? सूरत के मुगल दरबार में। कब पहुंचा? 1608 में पहुंचा। कौन? हॉकिंस। कौन पहुंचा? हॉकिंस। और वहां पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति उसने मांगी और सफल नहीं हो सकी। फिर 1611 में पुर्तगाली के विरोध में कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार को भंग कर दिया। फिर अंग्रेजों ने सूरत को 1613 में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित की। यहीं से अंग्रेज अपने व्यापार को देश के दूसरे भाग में फैलाए और फिर उन्होंने अहमदाबाद, अजमेर, आगरा, अन्य जगह फैक्ट्रियां बनाना शुरू की। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, डी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। किस आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? जल्दी जवाब दीजिएगा, एकदम आसान प्रश्न है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। प्रश्न नंबर 37 का, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी साथी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां जहां देख रहे हैं, जवाब दीजिए सभी लोग। देखें, राजकोट में लिया था, खेड़ा में लिया था, असहयोग, लेकिन वाइकोम सत्याग्रह में नहीं लिया था। खेड़ा, राजकोट, सत्याग्रह, असहयोग में गांधी जी लिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा वाले हैं आपके। अगला प्रश्न आपके सामने है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? देवबंद आंदोलन एकदम हलवा तो नहीं है, लेकिन हां थोड़े से कड़े प्रश्न आज के जरूर होंगे। यह 1866 में। कैसे? देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना मोहम्मद कासिम अल ननौतवी द्वारा शुरू की गई थी। दारुल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं था? मैंने नकारात्मक प्रश्न है, तीन थे और एक नहीं थे, आपको यही जवाब देना है, कौन इसमें से नहीं था, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारा। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद्रोगेश पर लाइव चलती है। जूनियर शिक्षक, प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एकदम क्लास निःशुल्क आपके लिए प्रतिदिन, और सुबह 6:30 पर करंट क्लास आपके लिए लाइव चलती है। देखिए, आइए इस प्रश्न के बारे में हम लोग थोड़ी बातें और जानते हैं, थोड़ी बातें और प्रयास करते हैं। उधम सिंह, बेजरत हजरत महल, कुंवर सिंह, यहां पर एक बात याद रखना है, उधम सिंह इससे संबंधित नहीं थे। कैसे? ये पंजाबी क्रांतिकारी थे और जलियांवाला बाग का हत्याकांड लेने के लिए ये डायर को लंदन में जाकर उसको 1940 में हत्या की, जनरल डायर को 1940 में लंदन जाकर उसकी हत्या कर दी, उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड भी दिया गया। मौलवी अब्दुल्ला ये फैजाबाद से थे, ये फैजाबाद से थे, 1857 क्रांति, ये फैजाबाद से थे। ठीक है, उधम सिंह ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जनरल डायर को लंदन में जाकर 1940 में मारते, बाद में मृत्युदंड भी सजा मिलती है। प्रश्न नंबर 40, जियातंग रंग आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? बताइए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की एक जनजाति थी जो सक्रिय भागीदारी निभाई, इन्हें गैंड नेल्यू ने किया, इसे जिया तरंग या जेलियांग आंदोलन कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर की जनजातियों ने भी सक्रिय भागीदारी यहां पर दिखाई थी। प्रश्न नंबर 41 आपके सामने है, ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण समय क्या था? थोड़ा सा कड़े प्रश्न है, इसलिए जल्दी आपके लिए इसकी क्लास उपलब्ध हो जाएगी। सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके
ई लर्निंग विद दुर्गेश से जरूर जुड़ जाएं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश। टेलीग्राम पर सभी क्लास की लिंक और पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ट्रेड यूनियन आंदोलन क्रांतिकारी चरण का समय 26 से 39 तक था, 1926 से 39 तक था। इसमें मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी ट्रेड यूनियन के प्रमुख नेता थे। अगर हम 42 की बात करते हैं, किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया, ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था, जवाब जरूर दीजिएगा। बताइएगा, जवाब जरूर दीजिए जल्दी कमेंट करके। बताइए, जल्दी कमेंट कर बताइए आप लोग। देखिए, अगर आप प्रश्न नंबर 42 की यहां पे बात करें तो मुगल शासक बाबर ने भारत में युद्ध में ऑटोमन युद्ध पद्धति शुरुआत की थी। कब? 1526 में। किसके? पानीपत। ठीक है। और तोपखाना था इसका, मुख्य विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली एवं बंदूकी मुस्तफा ने की थी। ठीक है, चलिए अगला है। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से, किससे? देखिए यहाँ पे जो था ये फारस का त्यौहार से लिया गया। कहाँ से? फारस से। जब फारस से लाया गया तो किसने लिया? ईरान, फारस से लिया गया था ईरान को। ठीक है, मुगल काल में एक राष्ट्रीय त्यौहार था, 19 दिनों तक मनाया जाता। कितने दिनों तक? 19 दिनों तक। ये 19 दिनों तक मनाया जाता था। इसे मनाने से बहुत पहले व्यवस्था की जाती थी। अब्दुल कादिर बदायूं, अब्दुल कादिर बदायूं ने इसे नरोज जलाली की संज्ञा दी। अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताएं। सभी साथी, चाहे से फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, जवाब जरूर दीजिएगा। कमेंट करिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। ये किसके द्वारा? ये पारसियों के द्वारा। किसके द्वारा? पारसियों के द्वारा। ठीक है, छोटा सा रीजनिंग का सवाल है। कह रहा है शीला जो है ये मीना से बड़ी है। हम देखते हैं, शीला जो है ये मीना से बड़ी है, इक्वेशन नंबर एक बनेगा। फिर कह रही है कामनी नालनी जितनी बड़ी है, बड़ी है मतलब यहां पे जो कामनी है बराबर नलिनी, ये दोनों आपस में बराबर है। नीतू सिंधु से छोटी है जो नीलनी के बराबर है, माने जो सिंधु है वह नीतू से तो बड़ी है लेकिन सिंधु से ये नलिनी के बराबर है। अब लास्ट में कह रहा है कि मीना कामनी से बड़ी है, जो मीना है वो कामनी से बड़ी है। जरा आप बताइए सबसे बड़ी कौन है? बताइए जल्दी से सबसे बड़ी कौन है, सबसे बड़ी कौन है? जल्दी से कमेंट कर बताइएगा जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। देखिए मीना से बड़ी कामनी है, कामनी से बड़ी नाली सिंधी के बराबर है, तो यहां पर क्या होगा? शीला। शीला इसमें सबसे बड़ी है। दिए गए प्रश्न में उत्तर क्या होगा? शीला इसमें सबसे बड़ी है। जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर शीला बताया है उनके जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहां पे एक चित्र दिया गया है, यह आपको यह बताना है निम्नलिखित में कौन से उस क्षेत्र को दर्शाती है जो ग्रेजुएट स्वरोजगार महिलाएं नहीं है, माने नकारात्मक प्रश्न है, तो जरा जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग।
चलिए ध्यान से देखते हैं, कह रहा है कि महिला नहीं हो माने त्रिभुज में जो है वो एक भी नहीं होगा, त्रिभुज वाला एक भी नहीं होगा, मतलब दो नहीं होगा, सात नहीं होगा, छह नहीं होगा, चार नहीं होगा, ठीक। स्वरोजगारी नहीं हो, स्वरोजगारी माने अच्छा महिलाएं नहीं है, अब बच्चा बस स्वरोजगारी, स्वरोजगारी क्या होगा, एक है और पांच है, और ग्रेजुएट और स्वरोजगारी है तो ग्रेजुएट कहां है, पांच, इसका उत्तर क्या होगा, पांच है, माने पांच जो है वो ग्रेजुएट भी है और स्वरोजगारी भी है, लेकिन महिला नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यह महिला नहीं है, यहां पर यह महिला नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा, क्या होगा, डी इसका सही जवाब होगा, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, यहां पे कथन दिए गए 46, आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी होता है, यहां कह रहा है ये प्रत्येक मंत्री है, फिर कह रहा है प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी है, प्रत्येक विद्यार्थी अनुभवहीन होता है, अनुभवहीन होता है, अब कह रहे प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन होता है और प्रत्येक अनुभवहीन विद्यार्थी होते हैं, मतलब यहां पर ए और बी दोनों निकलते हैं, इसका मतलब इसका उत्तर सी होगा, प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन होता है जैसा कि उसके अंदर है, और कुछ अनुभवहीन विद्यार्थी होते हैं, कुछ अनुभवहीन जो है विद्यार्थी भी होते हैं, माने कुछ माने ये विद्यार्थी इसके अंदर जो आएगा कुछ हो जाएगा, मतलब इसका उत्तर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा, ठीक है, समझ में आया सबको। अगला है आपके सामने, सभी लोग जरा फटाफट कमेंट करेंगे, ये क्लास आपको डेली 9:30 बजे लेनी भी दुर्गेश पर होती है, और आप सभी ऑनलाइन क्लास या नोट के संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपकी क्लास चल रही है, जौनपुर जनपद के सिराजहिंद से आपके लिए निःशुल्क देशहित में राष्ट्रहित में मेरी क्लासेज आपको मिलती है, सुबह 6:30 बजे करंट की क्लास है डेली 2020 नैनो मैगजीन, और शाम के 9:30 बजे आपकी शिक्षक भर्ती जूनियर और प्राइमरी की 50 अंकों की सीरीज लाइव चलती है, उसके अलावा अन्य सीरीज की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। मेटेरियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके संरक्षण से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये, ओजोन परत के संरक्षण से, किससे है, ओजोन परत के संरक्षण से है, ठीक है, ये वियना में एक प्रोटोकॉल था, ये 16 सितंबर 1987 को, कब 16 सितंबर 1987 को, इसमें सीएफसी के प्रयोग को कम करना था, सीएफसी के प्रयोग को कम करना, ये प्रभावी होता है 2 साल बाद 1989 में। प्रश्न नंबर 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है, माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है, देखिए मीथेन CH4 है, इसे मार्स गैस कहते हैं, ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC है, CO2 है, लेकिन ऑक्सीजन O2 नहीं है, माने इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, क्या होगा, ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपके सामने, एक घास स्थली पाचकीय तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है, इसका जवाब आप देंगे, इस प्रश्न का जवाब हम नहीं देंगे, क्योंकि भाई सिलेक्शन आपको लेना है, जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या, चलिए ध्यान से एकदम देखिएगा, 49 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, पहले जो घास है इस घास को टिड्डा खाता है, घास को टिड्डा खाता है, और टिड्डे को घास को टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, ठीक, तो हो जाएगा उत्पादक, यह प्राथमिक, यह द्वितीय, यह तृतीय,
ये उपभोक्ता हो गए तीनों, ये उत्पादक हो गया, इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए इसका सही जवाब है। ठीक, चलिए आज का आखिरी प्रश्न, इसी के साथ आज की सीरीज आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे 50 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए निःशुल्क लाइव चलती है। सुबह 6:30 बजे करंट की क्लास आपके लिए डेली नैनो मैगजीन की सीरीज होती है। ये सभी क्लास आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन करके रखिएगा, दुर्गेश सर सर्च करके, ई लर्निंग विद दुर्गेश। ठीक है, ठीक, किसी को दिक्कत कोई समस्या कमेंट करके पूछ सकता है। चलिए ध्यान से देखते हैं, ऑनलाइन क्लास या नोट संबंध में अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आपके लिए क्लास निःशुल्क लाइव चलती है, देश हित में, राष्ट्रहित में। नंबर 50 आपको बताना है, उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त की बात कर रहा है। प्रथम लोकायुक्त विश्वभर दयाल थे। कौन थे? विश्वभर दयाल थे। ये 1977 से 1982 तक थे। ठीक, मुर्तजा द्वितीय थे। मुर्तजा क्या थे? ये पहले थे और ये दूसरे थे। ठीक है जी, गोयल जो जी थे तीसरे थे। चलिए इस तरह आप लोग इलेनी बद्रगेश पे जुड़े रहेगा। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर जरूर करिएगा, चाहे इस वीडियो को फेसबुक पे, चाहे यूट्यूब पे, जहां भी देखते हैं। ये क्लास प्रतिदिन चलती है, कोई भी दिन ऐसा नहीं हो जिस दिन क्लास ना चले। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप सभी रेस के घोड़े, ईश्वर करे आप लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें और अब की बार एक सीट हमार की सीरीज लगे रहें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या, बाय बाय। चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं, दिन दो नारा चुगना बढ़ते रहें। अब की बार एक सीट हमार। अच्छा, मोहम्मद जी ने कहा कि आज वीडियो डिसलाइक नहीं हुए, थैंक यू, बाय बाय।